दोस्तों नमस्कार। अगर आप प्रिंटर से परेशान हैं और आपका प्रिंटर ब्लैंक पेज प्रिंट कर रहा है, आपके प्रिंटर में लाइनिंग की समस्या आ रही है या आपको कलर मिसमैच की समस्या आ रही है, आपका प्रिंटर परफेक्ट कलर प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो आज हम इसका आपको पूरा पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक कॉपी करके आपको दिखाते हैं कि हमारे प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर आप भी एचपी का प्रिंटर रखते हैं तो इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको A to Z एचपी के बारे में सारी बातें बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रिंट आउट बाहर निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रिंट बाहर आ चुका है। दोस्तों वीडियो आपको पूरी देखनी होगी ध्यान से, वरना आप बहुत कुछ इसमें मिस कर जाएंगे। तो दोस्तों हमारा प्रिंट बाहर आ चुका है। मैं आपको दोनों पेज की तुलना करके दिखाता हूँ कि इसमें कितना अंतर है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों प्रिंटरों का प्रिंट आउट है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। दोस्तों मैं आपको प्रिंट आउट के बारे में ऐसी आज जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपसे पहले आपने ना तो देखी होगी यूट्यूब के ऊपर और ना ही सुनी होगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों मैं आज आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर के आपके होश उड़ने वाले हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो आज की। दोस्तों जब भी आप नया प्रिंटर ख़रीदते हैं या आप उसे ऑनलाइन या किसी तरह से मंगाते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर आपको एक ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप इसको निकाल कर फेंक देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज़ है। दोस्तों ये हमारे एचपी प्रिंटर का पंपर है जिसकी सहायता से इंक हमारी पाइप के अंदर आती है। दोस्तों ये जो पंपर है, आप इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको इसको यूज करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों आप ये जो देख पा रहे होंगे, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ से इस जगह तक आपको अंदर का हिस्सा जो है इसको काट करके आपको इस तरह से अलग कर देना है। फ्रेंड्स अगर आप इसके काट कर अलग नहीं करेंगे तो आप इसे यूज नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों क्या है, जब भी आपके प्रिंटर में एयर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा इस पंपर को आपको प्रिंटर के अंदर लगा देना है और इसे ओपन कर देना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे लगाएंगे और कैसे अपनी एयर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम प्रिंटर का ढक्कन ओपन करते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने दोनों डोर ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ से हम इस लैच को ओपन करेंगे। इस तरह से मैंने इसको ओपन कर दिया है और यहाँ से दोनों अपने प्रिंटेड ब्लैक और कलर दोनों को बाहर निकाल देंगे। दोस्तों जो सबसे मुख्य काम करना रहता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपको पंपर यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों अब हम इसमें पंपर को जिस तरह से दोस्तों हम प्रिंट हेड लगाते हैं, सेम उसी तरह हम इस पंपर को लगाने के बाद में ऊपर से लैच बंद कर देंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंपर आपका बंद कंडीशन में होना चाहिए। जब भी दोस्तों पंपर को लगाएं, पंपर की नाब को एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके इसको बंद कर दें, उसके बाद ही आप इसको लैच में फिट करें। दोस्तों लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोस्तों लैच को अच्छी तरह से इसको क्लोज करके बंद कर देना है, फिर पंपर की नाब को पकड़ करके ऊपर को उठाना है और इसे छोड़ देना है। ये पंपर आपका बाहर की तरफ निकल आएगा और जिससे होगा क्या दोस्तों कि आपके पाइप में जो भी एयर होगी वो इसको पंपर बाहर खींच लेगा। इस तरह से दोस्तों आपके प्रिंटर की पाइप से एयर बहुत आसानी से निकल जाएगी। दोस्तों मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आपके कमेंट आएंगे क्योंकि आप पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। तो दोस्तों मैंने पंपर को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रिंटर में प्रिंट हेड लगा देना है और आपका प्रिंटर रेडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका प्रिंटर अब भी ठीक से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं अब आपको जो बताने जा रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा
वो आपको पंपर लगाने से पहले अपनी कार्टेज के साथ ये प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको अपनी कार्टेज या प्रिंट हेड के अंदर इंक भरनी होगी। इंक भरने के लिए आपको एक रबड़ लेनी होगी। रबड़ को आपको घिस करके उसे गोलाई में, चलिए फ्रेंड्स पहले हम कार्टेज में इंक भरते हैं। इसके लिए दोस्तों हम सिरिंज में इंक निकालेंगे और इंक निकालने के बाद दोस्तों हम सिरिंज की निडिल को उस जो रबड़ मैंने बना के रखी थी गोल पाइप के आकार की, उसमें दोस्तों इसको हम फिट करेंगे ताकि आसानी से कार्टेज के अंदर सेट हो जाए हमारी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इस निडिल को हटा देता हूँ और दूसरी निडिल लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर मैंने रबड़ लगा रखी है जो कि कार्टेज में हमारी आसानी से फिक्स हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हमें प्रिंटर से प्रिंट हेड निकालने हैं और उसमें हमें प्रॉपर तरीके से इंक फिल करनी है। इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हम कार्टेज के अंदर धीरे धीरे इंक फिल करेंगे। रबड़ दोस्तों लगाने की वजह से होता क्या है कि हमारा जो इंक है वो बाहर नहीं निकलती है, और दोस्तों हम इंक तब तक भरेंगे जब तक हमारी इंक कार्टेज के नीचे से निकलने ना लगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो इंक है वो कार्टेज से बाहर नीचे निकलने लगी है। जब हमारी दो तीन बूंद इंक बाहर निकल जाती है तब हम दोस्तों इसको बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों कितनी इंक हमारी बाहर आ चुकी है। अब हम इसको प्रिंटर में लगा देंगे और हमारा प्रिंटर वर्क करने लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने